बच्चों, आपने अकबर बीरबल के किस्से तो सुने ही होंगे। कौन कौन से किस्से सुने हैं बताइए। अच्छा, बीरबल की खिचड़ी, सबसे खूबसूरत बच्चा। अच्छा, बीरबल किन किन बातों के लिए जाने जाते हैं? बीरबल जाने जाते हैं अपनी सूझबूझ के लिए, समझदारी के लिए, बुद्धिमानी और चतुराई के लिए। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। बीरबल एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें बहुत पसंद करते थे। वे हमेशा बीरबल को अपने साथ रखते थे। अकबर के बहुत से दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। खुसरो नाम का दरबारी सम्राट अकबर की एक पत्नी जीनत का भाई था। वह बीरबल से ऊंचा ओहदा पाना चाहता था, इसलिए हमेशा अपनी बहन जीनत के कान भरता रहता था। जीनत द्वारा बार बार अपने भाई की सिफारिश करने पर एक दिन बादशाह अकबर ने बेगम जीनत से कहा कि वे स्वयं दोनों की परीक्षा लेकर तय करेंगे कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। अगले दिन दरबार में अकबर के साथ साथ जीनत भी गईं। अकबर ने बीरबल और खुसरो दोनों को दो दो गज रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा, आप दोनों में से जो भी कल इस रस्सी के टुकड़े के बदले अधिक से अधिक धन कमा कर लाएगा, वही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुसरो को पहले से ही परीक्षा के बारे में बता रखा था, लेकिन बादशाह अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। खुसरो और बीरबल रस्सी के टुकड़े लेकर चल दिए। खुसरो रस्सी का टुकड़ा लेकर नगर के सेठों के पास गया और बोला, यह रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर का है। इसका मूल्य 50,000 अशर्फियां हैं। बादशाह अकबर के सम्मान की खातिर आपको इसे उनकी यादगार के रूप में रखना होगा। किसी भी सेठ को खुसरो की बात जची नहीं, लेकिन वे बादशाह के साले को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। सबने अनिच्छा से 50,000 अशर्फियां इकट्ठी करके खुसरो को दे दी। अशर्फिया पाकर खुसरो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि बीरबल रस्सी के टुकड़े के बदले इतना धन कभी न ला पाएगा। उधर बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर सीधा नगर सेठ की हवेली पर गया। उसने किसी से कुछ कहे बिना हवेली को नापना शुरू कर दिया। नगर सेठ को पता चला तो दौड़ा आया और बीरबल से पूछा, आप मेरी हवेली नाप रहे हैं, क्या बात है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, कोई खास बात नहीं है। बादशाह सलामत ने सड़कें चौड़ी करने का हुक्म दिया है। मैं नापकर देख रहा था कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा रास्ते में आता है, उसे तोड़ना पड़ेगा। हवेली तोड़े जाने की बात सुनकर नगर सेठ के होश उड़ गए। उसने घबराकर कहा, क्या हवेली गिराना जरूरी है? नहीं, पूरी नहीं, बस हवेली का आगे का हिस्सा तोड़ना होगा। बीरबल ने कहा, अजी, आगे का हिस्सा गिर जाएगा तो बचेगा क्या? किसी की नाक काट ली जाए तो चेहरा सुंदर रहेगा क्या? सेठ ने कहा। बीरबल बोला, देखिए सेठ जी, बादशाह का हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ? नगर सेठ दुखी होकर कहने लगा, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। बीरबल मुस्कुराकर बोले, सेठ जी, लाखों की हवेली मुफ्त में ही बचा लेना चाहते हैं? सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। वह हवेली के भीतर गया और उसने अशर्फियों से भरी एक थैली लाकर बीरबल को पकड़ा दी। इसी तरह बीरबल ने नगर के कई सेठों की हवेली पर जाकर वही चाल अपनाई और उन्हें मूर्ख बनाकर 5,00,000 अशर्फियां जमा कर ली। अगले दिन दरबार लगा। खुसरो 50,000 अशर्फियां लिए दरबार में मौजूद था। बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाए। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें बीरबल कहीं दिखाई नहीं दिए। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। खुसरो ने आगे बढ़कर 50,000 अशर्फियां अकबर के सामने
रख दी। तभी बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने रस्सी का टुकड़ा अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम खाली हाथ आए हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और अपने सेवकों को बुलाया। सेवकों के कंधे पर बड़ी बड़ी थैलियां लदी हुई थी। बीरबल ने थैलियां उतरवा कर अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहां पना, आपका दिया रस्सी का टुकड़ा तो अनमोल है, इसे छूने भर के बदले ये 5 लाख अशर्फिया लाया हूं। किसकी हिम्मत है जो इस अनमोल रस्सी का मोल लगा सके? अकबर के मुख पर प्रशंसा और गर्व के भाव उभर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जीनत की ओर देखा। जीनत और खुसरो की गर्दन झुकी हुई थी। तो आज हम बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई से संबंधित पाठ पढ़ने जा रहे हैं, अनमोल रस्सी। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। बीरबल एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें बहुत पसंद करते थे। वे हमेशा बीरबल को अपने साथ रखते थे। अकबर के बहुत से दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या मतलब जलन, और उन्हें नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। खुसरो नाम का दरबारी सम्राट अकबर की एक पत्नी जीनत का भाई था। वह बीरबल से ऊंचा ओहदा पाना चाहता था, ओहदा पद, इसलिए हमेशा अपनी बहन जीनत के कान भरता रहता था। कान भरता रहता चुगली करना। जीनत द्वारा बार बार अपने भाई की सिफारिश करने पर एक दिन बादशाह अकबर ने बेगम जीनत से कहा कि वे स्वयं दोनों की परीक्षा लेकर तय करेंगे कि दोनों में कौन अधिक बुद्धिमान है। अगले दिन दरबार में अकबर के साथ साथ जीनत भी गई। अकबर ने बीरबल और खुसरो दोनों को 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा, आप दोनों में से जो भी कल तक इस रस्सी के टुकड़े के बदले अधिक से अधिक धन कमा कर लाएगा, वही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुसरो को पहले से ही परीक्षा के बारे में बता रखा था, लेकिन बादशाह अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। खुसरो और बीरबल रस्सी के टुकड़े लेकर चल दिए। खुसरो रस्सी का टुकड़ा लेकर नगर के सेठों के पास गया और बोला, यह रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर का है, इसका मूल्य 50,000 अशर्फियां हैं। अशर्फियां मतलब सोने की मोहरें। बादशाह अकबर के सम्मान की खातिर आपको इसे उनकी यादगार के रूप में रखना होगा। किसी भी सेठ को खुसरो की बात जची नहीं, लेकिन वे बादशाह के साले को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। सबने अनिच्छा, अनिच्छा मतलब बिना इच्छा के, से 50,000 अशर्फियां इकट्ठी करके खुसरो को दे दी। अशर्फिया पाकर खुसरो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि बीरबल रस्सी के टुकड़े के बदले इतना धन कभी न ला पाएगा। उधर बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर सीधा नगर सेठ की हवेली पर गए। उन्होंने किसी से कुछ कहे बिना हवेली को नापना शुरू कर दिया। नगर सेठ को पता चला तो दौड़ा आया और बीरबल से पूछा, आप हवेली क्यों नाप रहे हैं, क्या बात है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, कोई खास बात नहीं, मैं नाप कर देख रहा था कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा रास्ते में आता है, उसे तोड़ना पड़ेगा। हवेली तोड़े जाने की बात सुनकर नगर सेठ के होश उड़ गए। होश उड़ना घबरा जाना। उसने घबराकर कहा, क्या हवेली गिराना जरूरी है? नहीं, पूरी नहीं, बस हवेली का आगे का हिस्सा तोड़ना होगा। बीरबल ने कहा, अजी, आगे का हिस्सा गिर जाएगा तो बचेगा क्या? किसी की नाक काट ली जाए तो चेहरा सुंदर रहेगा क्या? नगर सेठ ने कहा। बीरबल बोला, देखिए सेठ जी,
बादशाह का हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ। नगर सेठ दुखी होकर कहने लगा, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। खाक में मिलना, धूल में मिलना। बीरबल मुस्कुराकर बोले, सेठ जी लाखों की हवेली मुफ्त में ही बचा लेना चाहते हैं। नगर सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। वह हवेली के भीतर गया और उसने अशर्फियों से भरी एक थैली लाकर बीरबल को पकड़ा दी। इसी तरह बीरबल ने नगर के कई सेठों की हवेली पर जाकर वही चाल अपनाई और उन्हें मूर्ख बनाकर 5 लाख अशर्फियां जमा कर ली। अगले दिन दरबार लगा। खुसरो 50,000 अशर्फियां लिए दरबार में मौजूद था। बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाए, तशरीफ लाना आए। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें बीरबल कहीं दिखाई न दिए। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। खुसरो ने आगे बढ़कर 50,000 अशर्फियां अकबर के सामने रख दी। तभी बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने रस्सी का टुकड़ा अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम खाली हाथ आए हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और अपने सेवकों को बुलाया। सेवक मतलब नौकर। सेवकों के कंधे पर बड़ी बड़ी थैलियां लदी हुई थी। बीरबल ने थैलियां उतरवाकर अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहां पना आपका दिया रस्सी का टुकड़ा तो अनमोल है, इसे छूने भर के बदले ये 5 लाख अशर्फियां लाया हूं। किसकी हिम्मत है जो इस अनमोल रस्सी का मोल लगा सके। अकबर के मुख पर प्रशंसा, तारीफ और गर्व के भाव उभर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जीनत की ओर देखा। जीनत और खुसरो की गर्दन झुकी हुई थी। धन्यवाद। अब हम अनमोल रस्सी के शब्द अर्थ करने जा रहे हैं। पहला शब्द है बादशाह। बादशाह का अर्थ है राजा। ईर्ष्या, जलन, ओहदा, पद या स्थान। कान भरना, चुगली करना। परीक्षा, इम्तिहान। अनिच्छा, बिना इच्छा या बिना मर्जी। होश उड़ गए, घबरा गए। अशर्फियां, सोने की मोहरें। खाक में मिलना, धूल में मिलना। तशरीफ लाए, आए। सेवक, नौकर। पाठ में आए नए शब्द कुछ इस प्रकार हैं: रत्न, विद्वान, बुद्धिमान, ईर्ष्या, ओहदा, गज, हुक्म, अशर्फियां, मुस्कान, गर्व। अभी हम सीखेंगे लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्द यहाँ पर पुल्लिंग में दिए गए हैं, इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है। सम्राट का स्त्रीलिंग होगा साम्राज्ञी। बुद्धिमान, बुद्धिमती। सेवक, सेविका। बादशाह, बेगम। सेठ, सेठानी। विद्वान, विदुषी। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके दो अर्थ होते हैं। उनका उच्चारण तो सेम रहता है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे चाल, चलने का ढंग, कपट या छल। अब जब हम इनका वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पहले का हम वाक्य बनाते हैं, राम की चाल बहुत अच्छी है, मतलब राम के चलने का ढंग बहुत अच्छा है। दूसरा अर्थ है इसका कपट या छल, राहुल बहुत चालबाज है, मतलब राहुल बहुत कपटी है। दूसरा शब्द है उत्तर। इसके भी दो अर्थ हैं। पहला है जवाब, रमेश का उत्तर बिल्कुल सही है, जैसे प्रश्नों के उत्तर। दूसरा है उत्तर, एक दिशा, केरल उत्तर दिशा में है। दिशाएं किसे कौन कौन सी होती हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तीसरा शब्द है भाव।
इसके भी दो अर्थ हैं, वस्तु का दाम और भावना। पहला अर्थ है वस्तु का दाम, इसका वाक्य बनाएंगे सेब का क्या भाव है, सेब का क्या दाम है। दूसरा है भावना, भारतवासियों के प्रति हमारे भाव बहुत उदार हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जिनका उच्चारण शब्दों का सेम होता है, समान होता है, लेकिन कभी कभी उनके अर्थ अलग अलग भी होते हैं। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं मुहावरे। पहला मुहावरा है ताप में रहना, मतलब अवसर की तलाश में रहना। वाक्य, दरबारी बीरबल को हमेशा नीचा दिखाने की ताप में रहते थे। दूसरा मुहावरा है कान भरना, मतलब चुगली करना। वाक्य है, खुसरो बीरबल के खिलाफ अपनी बहन जीनत के कान भरता रहता था। तीसरा मुहावरा है होश उड़ना, मतलब घबरा जाना। वाक्य, सांप को देखकर रमेश के होश उड़ गए। नंबर चार, खाक में मिलना, मतलब बर्बाद हो जाना। वाक्य है, बाढ़ के आने पर कई घर खाक में मिल गए। पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, खुसरो कौन था? उत्तर, खुसरो बादशाह अकबर की बेगम जीनत का भाई था। प्रश्न नंबर दो, नगर के सेठों ने खुसरो को धन क्यों दिया? उत्तर, नगर के सेठों ने खुसरो को धन इसलिए दिया क्योंकि वे बादशाह के साले को नाराज नहीं करना चाहते थे। प्रश्न नंबर तीन, सेठ बीरबल का इशारा समझ गया, बीरबल ने क्या इशारा किया था? उत्तर, बीरबल ने यह इशारा किया था कि लाखों की हवेली बचाने के लिए काफी धन देना पड़ेगा। प्रश्न नंबर चार, खुसरो और जीनत की गर्दनें क्यों झुक गईं? उत्तर, खुसरो और जीनत की गर्दनें इसलिए झुक गईं क्योंकि बीरबल ने अपनी चतुराई से रस्सी के एक टुकड़े से 5 लाख अशरफियां कमाकर लाई। धन्यवाद।